आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर जीके से रिलेटेड 30 अति महत्वपूर्ण फुल फॉर्म के बारे में, ठीक है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और आगे भी पूछे जाने की इनकी पूरी पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। तो चलिए, आज की जो क्लास है उसकी हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्या है वो देखिए, आपको पूछ लीजिए भाई GUI की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। GUI तो क्या याद रखेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। GUI की फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट आपको पूछ लिया जाए UPS, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके दोस्तों ये UPS, काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। UPS क्या होती है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। UPS क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, किस में प्रयोग में लाया जाता है, नाम से स्पष्ट हुआ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, मतलब जैसे आपका कंप्यूटर चल रहा है लाइट के अंदर, ठीक है, और अचानक से कंप्यूटर बंद ना हो, ठीक है, यानी कि उसमें डाटा आपका क्रैश ना हो, डिलीट ना हो, तो उससे बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, UPS का, ठीक है। UPS का मतलब क्या है आपको, वो कुछ समय के लिए बैकअप प्रदान करता है पावर सप्लाई का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपको क्या पूछ लिया जाए, CVT क्या होती है आपकी, कंट्रोल वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। CVT की फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपकी सिम, SIM, ठीक है। सिम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉडल, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये जो आपकी रैम होती है, ठीक है, क्या होती है आपकी रैम, तो रैम जहाँ पर डालते हैं उन स्लॉट का नाम है, स्लॉट का नाम कह सकते हैं या स्थान का नाम कह सकते हैं जहाँ पर हम रैम लगाते हैं, कौन कौन से, सिम हो गया आपका, ठीक है, डिम हो गया आपका, ED हो गया आपका, PCMCI हो गया, ठीक है। ये चारों जो नाम देख रहे हैं ये रैम है जहाँ पर डालते हैं, ठीक है, रैम को जहाँ पर डालते हैं उनके स्लॉट का नाम है ये, ठीक है। तो सिम की फुल फॉर्म याद रख लेंगे, डायरेक्ट काफ़ी बार पूछ ले जाते हैं यहाँ से भी, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट अगर डिम के बारे में पूछ लीजिए आपसे, तो डिम की फुल फॉर्म क्या होगी, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉडल, ठीक है, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट EDO के बारे में पूछ लीजिए आपको, तो क्या याद रखेंगे, एक्सटेंडेड डाटा आउट, EDO की फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंडेड डाटा आउट, ठीक है। PCMCI, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगी, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन, किसकी फुल फॉर्म है ये, PCMCI की, क्या है, पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन, ठीक है। और दोस्तों, ये सभी प्रकार की जो आपके क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको, इन कंप्यूटर जीके से रिलेटेड जितनी भी आपकी वीडियो हमने डाल दी हैं, ठीक है, तो इनके सभी की PDF आपको अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर इंजीनियरिंग, ठीक है, जिस नाम से अपना ये चैनल है आपका यूट्यूब चैनल, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पर उसको ज्वाइन करके आप इनकी सभी की PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, LCD की फुल फॉर्म क्या है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, LCD की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। नेक्स्ट उसकी लेन की अगर फुल फॉर्म पूछ लीजिए आपसे, होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, तो लेन की फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, इसका मतलब क्या है, लोकल एरिया मतलब आप एक सीमित एरिया के अंदर अपने नेटवर्क को आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी कंप्यूटर को नजदीकी एरिया के अंदर, ठीक है, तो उसमें हम किस कार्ड का प्रयोग करते हैं, लेन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैन, मैन का क्या है नाम, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये क्या है आपका, लेन से थोड़ा सा ज्यादा एरिया में आप क्या कर सकते हैं, अपने जो नेटवर्क है उसको प्रोसेसिंग में ला सकते हैं, ठीक है, काफी कंप्यूटर आप जोड़ सकते हैं। लेन एक सीमित एरिया में होता है, मान लीजिए थोड़ा सा कम एरिया, लेन से ज्यादा एरिया कौन कवर कराता है, मैन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वैन की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, इसका मतलब क्या है आपका, ये सभी नेट के संसाधन आपके, ठीक है, इनका मतलब क्या है, आप लोग समझ पा रहे, लैन और मैन तो एक सीमित एरिया में है, लेकिन वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में आप किसका प्रयोग करते हैं, वैन का, जब हम नेट चलाते हैं तो नेट में कौन सी क्रिया यूज की जाती है, वैन का, ठीक है, जो वर्ल्ड के अंदर यहाँ से हम अपनी सूचना हो किसी अन्य देश में भेजना हो तो उसमें किस कार्ड का प्रयोग होता है, वैन का, ठीक है। और एक सीमित एरिया के अंदर मान लीजिए हम एक बिल्डिंग में ही काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम एक पॉइंट से लेकर हमें दूसरे पॉइंट, यानी कि एक कमरे से लेकर दूसरे कमरे में हमें कोई डाटा भेजना है, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, लेन, एक छोटे एरिया में, ठीक है, लेन या मैन का। लेकिन वर्ल्ड के अंदर काम करना, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी हमें अपना डाटा भेजना है, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, वैन का, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैन, तो कैन की फुल फॉर्म क्या होती है, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है, कैन की फुल फॉर्म क्या होती है, कैंपस एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट होता है पैन की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, पैन की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये जो दोनों हैं आपके कैन और पैन, ये दोनों किसके भाग हैं, ये दोनों लैन के ही भाग हैं, ठीक है, कौन कौन से, कैन और पैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या याद रखें, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, किसकी, GPU की फुल फॉर्म है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट।
नेक्स्ट देखिए पीयू की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ ली जाती है आपसे, पीयू की तो क्या याद रखेंगे, पिन अनलॉक कोड, ठीक है। पुक की क्या रखेंगे, पिन अनलॉक कोड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पीएमपीओ, काफ़ी बार ये भी पूछे जाने वाली फुल फॉर्म आपके, पीएमपीओ की फुल फॉर्म क्या है, तो पिक म्यूजिक पावर आउटपुट, ठीक है। पीएमपीओ की फुल फॉर्म क्या है, पिक म्यूजिक पावर आउटपुट, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म क्या है, तो यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। काफ़ी बार पूछ जाने वाली फुल फॉर्म है ये भी, तो क्या याद रखेंगे, डी यू डी पी की फुल फॉर्म क्या है, यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट आपके डी एच सी पी, ठीक है, ये सभी हाई लेवल की फुल फॉर्म है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम पूछ जाने वाली है आपकी, तो डी एच सी पी की फुल फॉर्म क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। डी एच सी पी की फुल फॉर्म क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिए डी एन एस, डी एन एस मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म दोस्तों, काफ़ी बार पूछे जाने वाली फुल फॉर्म आपकी, तो डी एन एस की फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम किसकी फुल फॉर्म है, ये डी एन एस की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टी एफ टी पी, टी एफ टी पी की फुल फॉर्म क्या है, तो ट्रैवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। किसकी फुल फॉर्म है, टी एफ टी की, ट्रैवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए टीसीपी, टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो ट्रांसमिशन कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। किसकी, टीसीपी की फुल फॉर्म है, ट्रांसमिशन कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एफटीपी, काफ़ी बार पूछे जाने वाली है दोस्तों ये भी, एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसमिटेड प्रोटोकॉल। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसमिटेड प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डीएचयू की फुल फॉर्म पूछ ली जाए आपसे, डीएचयू की तो क्या है इसकी, डेस्टिनेशन होस्ट एन रिचेबल, ठीक है। क्या है डीएचयू की, डेस्टिनेशन होस्ट एन रिचेबल, ठीक है, ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी फुल फॉर्म है। ओएमआर, ओएमआर की फुल फॉर्म काफी बार पूछी जाती है दोस्तों, तो क्या है ये, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ओएमआर की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए ओसीआर की फुल फॉर्म क्या है, ओसीआर तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए आपको MICR की फुल फॉर्म क्या है, तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये तीनों क्या है, स्कैनर के भाग हैं, किसके हैं, स्कैनर के, ठीक है, याद रख लेना आप लोग। OMR के क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OSCR की क्या है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। काफ़ी बार पूछ ले जाता है, जैसे आपको क्वेश्चन लिख दिया जाएगा भाई MICR में, ठीक है, MICR में C की फुल फॉर्म बताइए क्या होगी, ठीक है, MICR में C की फुल फॉर्म क्या होगी, तो C की क्या है हमारे पास, करेक्टर। काफ़ी बार पूछ जाने वाला क्वेश्चन है, क्या याद रखेंगे, करेक्टर, मतलब हमने फुल फॉर्म बता दी। काफ़ी बार किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो आप याद रखेंगे MCR की फुल फॉर्म क्या है, आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपकी सीडी, सीडी की फुल फॉर्म क्या है, हमने आपको बता रखी है सीडी की फुल फॉर्म, या तो लिखा मिलेगा कॉम्पैक्ट डिस्क आपकी, ठीक है, डायरेक्ट इस प्रकार लिखा मिले सीडी, तो सीडी की फुल फॉर्म क्या रहेगी, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। काफ़ी बार क्या होता है आपका, कॉम्पैक्ट डिस्क ना लिखा मिले तो उसके स्थान पर क्या मिल सकता है आपको, चेंज डायरेक्टरी, क्या मिल सकता है, चेंज डायरेक्टरी, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, चेंज डायरेक्टरी। आप लोग कहते सर दोनों मिल जाए, चेंज डायरेक्टरी मिल जाए और कॉम्पैक्ट डिस्क, तो हम किसे टिक करेंगे, तो मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना, अगर केवल यहाँ पे सीडी लिखा मिले, केवल सीडी, तो क्या रहेगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। लेकिन सीडी के बाद अगर इस प्रकार से डॉट डॉट लिखे मिले आपको, ठीक है, डॉट डॉट लिखे मिले, तो हम उसे क्या लिखेंगे, चेंज डायरेक्टरी। लगभग आपको क्या मिलेगा, दोनों में से एक ही मिलने वाली आपको, ठीक है। सीडी पूछा गया तो सीडी की फुल फॉर्म या तो आपको कॉम्पैक्ट डिस्क लिखा मिलेगा या चेंज डायरेक्टरी, तो दोनों में जो भी मिले उसी पर टिक कर देना। बाकी मैंने बता दिया, अगर दोनों मिल जाए आपको एक साथ, एक दोनों ऑप्शन में अलग अलग में, तो आपको देखना सीडी के बाद कुछ नहीं है, डॉट डॉट नहीं है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी के बाद डॉट डॉट है, तो चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। टीएफटी, ठीक है, टीएफटी की फुल फॉर्म क्या है, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। काफी बार पूछे जाने वाली फुल फॉर्म है ये भी, टीएफटी की फुल फॉर्म क्या है, थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों सिस्टम बायोस, काफी बार चर्चित आपकी फुल फॉर्म है सिस्टम बायोस, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक, ठीक है, इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। सिस्टम को लास्ट में लिख दिया गया, सिर्फ यहां पे ऐसे ही लिखा मिलेगा फुल फॉर्म में आपको, बेसिक की फुल फॉर्म इसमें लिखी मिलेगी, बी से क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट आपका और सिस्टम, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार पूछे जाने वाली आपकी फुल फॉर्म है ये, ठीक है। तो बेसिक क्या हो जाएगी आपकी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो हमने जितनी भी आपको ये दिखाई है सभी फुल फॉर्म अच्छे समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट में मुझे जरूर बताइए आप लोगों की वीडियो कैसे लगी, सभी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर किया करें दोस्तों, उन्हें लाइक भी कीजिए आप लोग, ठीक है। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो उसे जरूर कर लेना आप लोग।
जबरदस्त टाइप के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों।